पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इवेपोरेशन फर्स्ट क्लास वाज अबाउट इवेपोरेशन एंड वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, व्हाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना एंड व्हाई अर्थन एंड पॉट्स आर यूज्ड टू कीप वाटर कूल। उन सारों को आज हम उनमें से पहले क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन इज सरफेस जनरल सा क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, क्यों इसको सरफेस फिनोमेना कहते हैं। बहुत सही क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी मैंने। मैं जरा इसको जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ कि इवेपोरेशन को क्यों कूलिंग फिनोमेना कहते हैं या सरफेस फिनोमेना भी कहा जाता है या अर्थन पार्ट्स क्यों यूज़ होते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए। तो नंबर फर्स्ट, हम एक छोटा सा डायग्राम इसके लिए ड्रा करते हैं। एक छोटा सा बीकर हम ले लेते हैं, उस बीकर में अगर मैं वाटर पार्टिकल्स को शो कर लूँ तो जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो हमेशा हमेशा आएंगे डाउन में, वो कहीं और से। अगर आप देख लें कोई मॉलिक्यूल अगर सेंटर में है वो तब तक इवेपोरेट नहीं हो सकता जब तक कि ये सरफेस पे ना आए, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे अगर इस तरफ आता है इसके साथ बीकर के जार्स टच होते हैं साइड्स, यहाँ पे बी साइड्स है, यहाँ पे बीच पीछे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा है, ये ऊपर मूवमेंट करेगा। तो हमेशा जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी चाहे वो बॉटम में हो चाहे वो सेंटर में हो कहीं भी हो तो वो हमेशा नीचे से मूवमेंट करके ऊपर टॉप पे आता है, सरफेस पे जाके जमा होता है। अब इस सरफेस पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस so it will evaporate. क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से ये स्टार्ट इवेपोरेट, इसकी इवेपोरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैं फर्दर इसको लिख के देता हूँ आपको कि इवेपोरेशन इज ऑलवेज अ सरफेस फिनोमेना, व्हाई, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स molecules with high kinetic energy, with high temperature and high kinetic energy move to the top. And it will evaporate from the surface. It will evaporate from the surface. So यही reason है कि जिनकी kinetic energy बढ़ेगी surface पे जाएंगे, surface पे जाएंगे वहाँ से evaporate होंगे। कोई molecule भी कोई particle भी एक center से evaporate नहीं हो सकता, तो जब center से evaporate नहीं हो सकता तो it means के evaporation हमेशा कहाँ से होगी, यहाँ से ये मॉलिक्यूल कभी भी इवेपोरेट नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल ने जाना है सरफेस पे, जब तक ये सरफेस पे नहीं जाएगा ये इवेपोरेट नहीं हो सकता। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये टॉप पे जाएंगे, टॉप पे जाके इवेपोरेशन होगी। सो दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज जनरली कॉल्ड एज कूलिंग एंड सरफेस फिनोमेना, इसी वजह से हम इसको एक सरफेस फिनोमेना कहते हैं। तो इसमें छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था मैंने, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसमें, इसलिए मैंने कहा आज इसको एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरा एक्सप्लेन कर लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कूलिंग काज करता है, लेकिन उससे पहले कि अर्थन पार्ट्स यूज होते हैं कि हम पानी को ठंडा रख लें, तो उसके लिए हम वो क्वेश्चन यूज़ कर लेंगे।